इसका हमारे बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके हमारे होने वाले बच्चे पे कुछ बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। उन्हीं में से पहला है मैक्रोजोमिया। मैक्रो मीन्स लार्ज, जोमिया मीन्स लार्ज साइज ऑफ द बेबी। तो बच्चे का जो वजन है वो 4 किलो या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे बच्चों को हम नॉर्मल लैंग्वेज में गोलू मोलू बोलते हैं, बट ये एक एडवर्स इफेक्ट है शुगर बढ़ने का। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट इफेक्ट आता है बच्चे पे वो है जन्म के समय बच्चे की शुगर लो होने के चांसेस, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे के शरीर में माँ की वजह से शुगर का लेवल ज्यादा हो जाता है। उसकी वजह से उसकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है ताकि उसका जो बॉडी है वो ग्लूकोज प्रॉपर यूज कर पाए। और ये इंसुलिन क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा फैट डिपोजिशन करता है। पर जैसे ही डिलीवरी होती है बच्चे को ग्लूकोज की सप्लाई माँ से मिलनी बंद हो जाती है, बट इंसुलिन का लेवल ज्यादा रह जाता है। तो ये जो इंसुलिन हाई रहता है बच्चे में और सडनली जो ग्लूकोज कम हो जाता है सप्लाई, इस मिसमैच की वजह से जन्म के समय बच्चे का शुगर लो जा सकता है। उस बच्चा सुस्त हो सकता है, उसको फीडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, और कभी कभी इन बच्चों को दौरे भी पड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे बच्चों में हम एडवाइस करते हैं कि जल्दी जल्दी शुगर चेक करना चाहिए, माँ को बच्चे को फ्रिक्वेंटली फीड करना चाहिए, और इनकेस बच्चे को यदि कोई दौरा पड़ता है, कोई एबनॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं, इमीडिएटली बच्चे को ICU में एडमिट करके उसका इलाज करना चाहिए। तो ये था कि दूसरा इम्पोर्टेंट जो रिस्क है जो बच्चे में हो सकता है। तीसरा जो असर बच्चे पे आ सकता है वो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, मतलब जन्म के समय में बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि ऐसे बच्चों में इंसुलिन बढ़ जाता है, उसकी वजह से बच्चे के शरीर में स्टीरॉयड का लेवल कम हो जाएगा। उससे क्या होगा, स्टीरॉयड का लेवल कम होने से सर्फेक्टेंट का लेवल कम हो जाएगा, और सर्फेक्टेंट वो केमिकल है जिससे बच्चे के फेफड़े जन्म पे खुलते हैं। इसका मतलब इंसुलिन ज्यादा होगा, सर्फेक्टेंट कम होगा, और बच्चे के जो फेफड़े हैं जन्म के समय प्रॉपरली नहीं खुल पाएंगे, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसकी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये एक तीसरा इम्पोर्टेंट अफेक्ट है जो माँ के शुगर की वजह से बच्चे में हो सकता है। चौथा जो इम्पोर्टेंट है जो असर बच्चे पे आ सकता है वो है पॉलीसाइथेमिया एंड जॉन्डिस। जैसे हमने जाना कि इन बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तो उनकी बॉडी क्या करती है, RBCs का प्रोडक्शन बढ़ा देगी, क्योंकि RBCs का काम है ऑक्सीजन कैरी करना। बट ये जो RBCs बच्चे में ज्यादा बनने लगती हैं, ये इमैच्योर होती हैं, इनकी कैपेसिटी काम करने की इतनी अच्छी नहीं होती, और ये जल्दी जल्दी टूटने लग जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे को बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, मतलब बच्चे को पीलिया होने के चांसेस होते हैं। कभी कभी इन बच्चों को हमें भर्ती करके फोटोथेरेपी भी देनी पड़ती है। जो एक और अदर इम्पॉर्टेंट जो अफेक्ट है जो बच्चे पे आ सकता है वो है बच्चे की डिलीवरी से रिलेटेड। नॉर्मली ऐसे केसेस में हम माँ को एडवाइस करते हैं कि आप सीजेरियन सेक्शन के लिए जाएं, बट यदि हम नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कर रहे हैं तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि डिलीवरी के टाइम पे बच्चे का साइज बड़ा होने की वजह से बच्चे का शोल्डर यानी उसका कंधा माँ के प्यूबिक बोन के पीछे अटक सकता है। उसकी वजह से जो उसके शोल्डर के नीचे नसों का गुच्छा, उसको हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस, उसके दबने के चांसेस हैं। मतलब बच्चे का जन्म से जो अपर लिम यानी उसकी जो आर्म है वो पैरालिसिस भी हो सकता है। तो ये सब थे कि शुगर बढ़ने की वजह से प्रेगनेंसी में बच्चे पे क्या असर आ सकता है।